पहला मुख्य चुनावी वायदा था और इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। ये इनका दूसरा मुख्य चुनावी वायदा था जिसे अब ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब लगभग 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं आपके सोनभद्र जिले के गरीब लोगों से, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, आदिवासी लोग तो हमें अधिकांश गरीबी नज़र इधर आते हैं, तो मैं आपके सोनभद्र जिले के गरीब लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को बने हुए अब 2.25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या इन 2.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया भी जमा हुआ है? इसके साथ ही आपके जिले के जो मेरे किसान भाई हैं उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन 2.25 वर्षों में किसी भी एक किसान का 1 रुपये का भी कर्ज माफ हुआ है? मैं समझती हूँ नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवा हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज़्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब प्रदेश ने अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने का पूरा पूरा मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और पर अंकुश लगाने की आड़ में वह इसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का यह एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था।